जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 की अंग्रेजी विषय का पाठ संख्या 2 और रैबिट एंड टू डक्स जो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है उसकी ग्लोसरी हम लोग करेंगे। ग्लोसरी का अर्थ होता है बच्चों शब्द अर्थ। तो सबसे पहले कौन सा शब्द है? WANDER वंडर। क्या होता है बच्चों? वंडर। वंडर का अर्थ होता है बच्चों भटकना। क्या होता है? भटकना। वंडर यानी भटकना। ALONE अलोन। अलोन यानी अकेला। अलोन यानी बच्चों अकेला। ALONE अलोन। अलोन यानी अकेला। DUCKS डक्स। डक्स यानी होता है बच्चों बत्तख। डक्स यानी बत्तख। ROAM रोम। रोम यानी घूमना। ROAM रोम। रोम यानी घूमना। ROAM रोम। रोम यानी घूमना। WISH विश। विश यानी इच्छा। WISH विश। विश यानी इच्छा। WISH विश। विश यानी इच्छा। PROMISE प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी वादा करना। प्रॉमिस यानी वादा करना। RIDE राइड। राइड यानी सवारी। राइड यानी सवारी। ये थी बच्चों अपन के ग्लॉसरी। वापस सुनो बच्चों एक बार। WANDER वंडर। वंडर यानी भटकना। वंडर यानी भटकना। वंडर का अर्थ हो गया बच्चों भटकना। ALONE अलोन। अलोन यानी अकेला। अलोन यानी अकेला। अलोन यानी अकेला। DUCKS डक्स। डक्स यानी बत्तख। डक्स यानी बत्तख। डक्स यानी बत्तख। डक्स का क्या अर्थ हुआ बच्चों? बत्तख। ROAM रोम। रोम यानी घूमना। ROAM रोम। रोम यानी घूमना। ROAM रोम। रोम यानी घूमना। WISH विश। विश यानी इच्छा। WISH विश। विश यानी इच्छा। WISH विश। विश यानी इच्छा। PROMISE प्रॉमिस। प्रॉमिस यानी वादा करना। प्रॉमिस यानी वादा करना। प्रॉमिस यानी वादा करना। RIDE राइड। राइड यानी सवारी। राइड यानी सवारी। राइड यानी सवारी। ये थी बच्चों अपने ग्लॉसरी। वंडर यानी भटकना। अलोन यानी अकेला। डक्स यानी बत्तख। रोम यानी घूमना। विश यानी इच्छा। प्रॉमिस यानी वादा करना। और राइड यानी सवारी। राइड यानी सवारी।
जय श्री कृष्ण।